हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम इन टू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 27 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे अरियंत आदर्श स्पोर्ट्स सिटी बाय अरियंत सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड एट तलोजा पनवेल नवी मुंबई। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, अरियंत स्पोर्ट्स सिटी ये 6 एकड़ लैंड पार्सल में बन रहा है और सामने आप देखेंगे बिल्डिंग का एलिवेशन है। इस बिल्डिंग में दो विंग है, ए विंग और बी विंग, और 80% स्पेस आप देखेंगे ओपन स्पेस है और ये बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 36 हैबिटेबल फ्लोर्स है। तो अभी डेवलपर ने ए विंग लॉन्च किया है जिसमें हर एक फ्लोर के ऊपर 10 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 BHK फ्लैट्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटकर है और यूनिक कॉन्सेप्ट है। इस पूरे 6 एकड़ में 80% स्पेस जो है वो प्योरली एमिनिटीज के लिए दिया गया है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के लिए दिया गया है, जहां पर आपको लार्ज साइज क्रिकेट पिच, फुटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, ऐसे बहुत सारे एमिनिटीज यहां पर दिए हुए हैं और इसमें मोर देन 40+ एमिनिटीज दिया गया है। तो स्पोर्ट्स सिटी इसका नाम इसी के लिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जितने भी एमिनिटीज है वो सारे प्रोफेशनल साइज बड़े एमिनिटीज है और बहुत ही वास्ट एरिया स्पोर्ट्स और फिटनेस के लिए दिया गया है। प्लस इस कॉम्प्लेक्स में जो क्लब हाउस का एरिया है डेट इज अराउंड 30,000 square feet, जहाँ पर बड़ा सा स्विमिंग पूल दिया गया है और इंडोर एमिनिटीज दिया गया है। और बिल्डिंग का लुक भी दोस्तों आप देखेंगे काफी एलिगेंट लुक है। आफ्टर ऑल अरियंत सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड इज अ ब्रांडेड कंपनी। इनके तलोजा में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑन गोइंग और कंप्लीटेड है। प्लस दिस इज टॉलेस्ट टावर इन तलोजा। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली देख पाओगे जितने भी एमिनिटीज है वो ग्राउंड फ्लोर पर दिए हुए हैं और राइट साइड से आप देखेंगे एंट्री और एग्जिट गेट है। तो यहाँ पर एमिनिटीज में आप देखेंगे मल्टीपर्पज कोर्ट, पार्टी लॉन, गोल्फ पुटिंग, बॉक्स क्रिकेट, साइकिलिंग ट्रैक, गेजिबो, सीनियर सिटीजन पार्क, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स क्लब, पेट पार्क एरिया, जॉगिंग ट्रैक एंड मच मोर। तो यहाँ पर आप कुछ ग्लिम्सेस देखेंगे। सिर्फ 2 टावर है और जो उसके साथ में जो आप देख रहे हैं इट इज लाइक स्पोर्ट्स एकेडमी, इतना बड़ा एरिया एमिनिटीज में दिया हुआ है। और रोड के साइड में जो डोम जैसा आप देख रहे हैं दैट इज बेसिकली एंट्री एंड एग्जिट टू द कॉम्प्लेक्स। सो वेरी वेल डिजाइंड क्लब हाउस, इट्स अ ग्राउंड प्लस 1 level क्लब हाउस। और उसके साथ में आप देखेंगे बड़ा सा स्विमिंग पूल है सराउंडेड बाई वुडन फ्लोरिंग, सन डेक एंड प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स अराउंड। सो दिस इज वन मोर व्यू ऑफ द स्पोर्ट्स सिटी, वेरी वास्ट एमिनिटीज एरिया एंड वेरी एलिगेंट लुक ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो अरियंत स्पोर्ट्स सिटी यहाँ पर लोकेटेड है। दिस रोड इज गोट रोड और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज तलोजा रेलवे स्टेशन। तो ये सारा जो एरिया है दिस इज तलोजा और यहाँ पर आप देखेंगे डेवलपर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कुछ ऑन गोइंग है, कुछ कंप्लीटेड है। उसके बाद यहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट है और यहाँ पर आलीशान है। प्लस ये जो बड़ा सा हाईवे आप देख रहे हैं दिस इज मुंबई पुणे हाईवे। तो इस हाईवे से ये प्रोजेक्ट 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तलोजा और दीवा के बीच में यहाँ पर एक और एक प्रपोज्ड रेलवे स्टेशन है, दिस इज पिसारवे रेलवे स्टेशन। और इसके पास का जो मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ पर है पेंडार मेट्रो स्टेशन, दिस इज स्टार्ट लाइन फ्रॉम योर। तो ये मेट्रो लाइन आगे यहाँ से होते हुए आगे CPT बिलापुर तक जाती है। तो प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। तो दोस्तों यहाँ का जो सराउंडिंग एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जोरों शोरों में डेवलप्ड हो रहा है जिससे यहाँ पर प्रॉपर्टी को 100% एप्रिसिएशन मिलने का चांस है। प्लस अदर USP अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो तलोजा मेट्रो स्टेशन इस प्रोजेक्ट के पास में है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी साल शुरू होगा दिसंबर 2024 में, इस प्रोजेक्ट से 15 मिनट का ड्राइव है। खारघर कॉरपोरेट पार्क अगेन 10 से 15 मिनट के ड्राइव पर है। सुपर मार्केट प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में ही है। IT डेटा सेंटर बाय MIDC अगेन 10 से 15 मिनट का रनअप है। अटल सेतु ब्रिज जो कि मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करता है चिरले विलेज से, 20 मिनट के रनअप पर है। एडुकेशनल हब स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी 5 से 10 मिनट की दूरी पर है।
मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे 10 मिनट की दूरी पर है और अपकमिंग खारघर फ्लाईओवर अगेन 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ ग्लिम्सेस देखेंगे एमिनिटीज का। दिस इज हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, एथलेटिक ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, टेनिस कोर्ट, स्केटिंग रिंक, ओपन बैडमिंटन कोर्ट, और ये जितने भी एमिनिटीज मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे बड़े प्रोफेशनल साइज एमिनिटीज है। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम स्पोर्ट्स सिटी रखा गया है। दिस इज हैज गुड हैज एकेडमी फॉर यू, वॉलीबॉल कोर्ट, गोल्फ पुट, आउटडोर एमिनिटीज जो कि क्लब को लगकर है, इसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग, स्विमिंग पूल फॉर किड्स, किड्स प्ले एरिया, आउटडोर जिमनेजियम, ट्री प्लाजा विद गैजेबो सिटआउट्स, पार्टी लॉन, एम्पी थिएटर, सीनियर सिटीजन कॉर्नर, बैंक्वेट हॉल, इंडोर गेम्स रूम, जिमनाजियम, मिनी थिएटर, योगा एंड मेडिटेशन रूम, ट्यूशन क्लासेस, बिजनेस लॉन्च, किड्स क्रीच, किचन में आप देखेंगे दोनों तरफ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और इसके अलावा फ्लैट्स के अंदर जितने भी फिटिंग्स और फिक्स्चर्स है वो सारे ब्रांडेड कंपनी के है, और प्लस ये प्री लॉन्च स्टेज है तो डेवलपर आपको 51 हाउस होल्ड आइटम फ्री दे रहे हैं जिसका बेनिफिट आपको ले लेना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों आते हैं इसके फ्लोर प्लान के ऊपर, और आप देखेंगे ये ए विंग का फ्लोर प्लान है जिसमें टोटल 10 फ्लैट है हर एक फ्लोर के ऊपर, 4 लिफ्ट है और 2 स्टेयर केस है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो यहाँ पर 1 बीएच के अलग अलग साइजेस है जैसे 339 कारपेट, 347 कारपेट, 367 कारपेट एंड 375 कारपेट। मिनिमम प्राइस जो है वो 33 लैक्स है प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और 2 बीएचके 535 और 578 कारपेट एरिया है जिसका प्राइस 46 लैक्स है प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का होगा दिसंबर 2027 में। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा है, और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।